भैया अस्मा कहाँ है? रोमान के साथ है, मैंने जाते देखा। रोमान के साथ थी। रोमान के साथ सो रहे हैं, उठे तो बताना मैं आई थी। कुछ मदद कर सकूं तो भी बताना। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये रोमान के साथ कहाँ गई है? तूने भेजा अपने किसी काम के लिए? तूने भेजा उसे इस लड़के के साथ? आती हो तो मैं पूछती हूँ कि ये क्या काम शुरू कर दिए? अब आपको शौकत से घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी पुलिस में अच्छी जान पहचान है। दोबारा अगर उसने किसी किस्म की कोई बदतमीजी की ना तो सीधा हवालात में बंद करवाएंगे। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं जानती हूँ कि ये आपके लेवल का काम नहीं है। आप तंज कर रही हैं मुझ पर? नहीं मैं तंज नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप इस सारे मैटर में इन्वॉल्व हुए तो बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे एम्बैरेस मत कीजिए, मुझे बहुत खुशी हुई है मैं आपके किसी काम आ सकूं। गुड़िया चले आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो यू हैव माय नंबर नाउ, प्लीज गिव मी अ कॉल। ओके बहुत शुक्रिया आपका। खाली शुक्रिया से काम तो नहीं चलेगा, आपको तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, प्लीज अपनी बेटियों के साथ वक्त गुजारिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या करके आई है? मैं पूछ रही हूँ क्या करके आई है? बना हुआ काम भी बिगाड़ आई है। शौकत भाई को इसके अलावा और कोई ज़बान समझ नहीं आती। खुदा का वास्ता इन्हें जरा मेरे सामने से लेके जाओ। लड़कियों को ये तेवर जेब नहीं देते। बेवकूफ लड़की बहनोई है वो तेरा, बेगैरत ही सही लेकिन ऐसी बातों पे उनकी गैरत एकदम जाग जाती है। नुकसान औरत का ही होता है, अगर उसने यास्मीन को तलाक दे दी तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि तलाक दे दे। बेवकूफ लड़की, उसके सर पे छत तो है ना, तू तो वो भी छीनने पे तुली हुई है। ये मत भूलो कि अब तुम्हारे सर पे छत नहीं, अब मैं क्या यास्मीन और उसके बच्चों को भी पालूंगी? एक ही दफा मुझे मेरे घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? सुकून आ जाएगा तुम लोगों को। कान खोल के सुन ले यास्मीन, अगर यास्मीन को तलाक हुई ना तुझे तेरा बाप माफ करेगा, ना यास्मीन जिसके लिए नया चांद खिला के आई है और ना ही मैं। बिल्लो। जी अब्बू जी। मैना और बच्चिया मिले बगैर चली गई। हाँ क्योंकि आप सो रहे थे ना, इसलिए उन्होंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। अपने घर ही गई है ना? हाँ और कहाँ जाएगी। बिलो वो जो पुतली घर और पुतली है ना, उनको जला देना। मगर क्यों? पता नहीं, जब से ये काम शुरू किया है दिल पे होश सा है, जो तब मेरा अबू जी आप कब से इन बातों का भरोसा करने लगे? बस पता नहीं, शायद दिल की तसल्ली के लिए, पता नहीं क्या बोझ है, किस बात की सजा है, किसी का कोई कर्ज है जिसे जो उतरे नहीं ना, बड़ा बोझ है दिल पर। आप पर किसी का कर्ज नहीं है अबू जी, क्योंकि आपने तो कभी आज तक किसी का उधार भी नहीं रखा, उल्टा मकरूज लोग आपके होंगे। बिल्लो एक बात हमेशा याद रखना,
कर्ज देकर बेशक भूल जाना, मगर कभी किसी का उधार दिल पे मत रखना। जमीन दुबक कितनी तंग क्यों ना हो जाए, अपना दिल हमेशा बड़ा रखना। मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर ने आपको इतना ज्यादा बोलने से मना किया है,